हरे कृष्ण। बच्चों का मुंह दबाने से कुछ नहीं होगा, वो चुप नहीं रहने वाले मुंह दबाने से, थोड़ी कोई और व्यवस्था करनी होगी बेचारे का मुंह दबा के। विश्व हरि नाम महोत्सव जो इस समय चल रहा है, ये क्या है विश्व हरि नाम महोत्सव? ये महोत्सव इस्कॉन में मनाया जाता है, और आज तो केवल इस्कॉन में मनाया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि वो इस्कॉन का ये एक उत्सव है, लेकिन जैसे पहले हमने श्रील प्रभुपाद के लिए कहा था कि श्रील प्रभुपाद वो आचार्य हैं आगे आने वाले समय में जिनको कोट किया जाएगा, जिनके तात्पर्यों का रेफरेंस बड़े बड़े विद्वान देंगे, जिनको प्रमाण माना जाएगा। आज भी इस्कॉन में हम सब मानते हैं, कई विद्वान मानते हैं, लेकिन पूरा जगत नहीं मानता, मगर आगे समय आएगा। और इसी प्रकार विश्व हरिनाम उत्सव महोत्सव आज जो केवल इस्कॉन मना रहा है एक हफ्ते में, दुनिया भर के सभी मंदिरों में प्रयास किया जा रहा है, आगे चलकर एक समय आएगा कि न केवल इस्कॉन, सारा विश्व ये विश्व हरिनाम महोत्सव मनाएगा। और तब सही दृष्टि में ये विश्व हरिनाम महोत्सव होगा, क्योंकि लोग इसके महत्व को समझेंगे, श्रील प्रभुपाद के महत्व को समझेंगे, हरिनाम के महत्व को, आचार्यों के महत्व को। और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज के दिवस पर हम लोग एक ये श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं वैष्णव आचार्यों की। इन वैष्णव आचार्यों की श्रृंखला में कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनके बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे आचार्य हैं जिनका नाम तक शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, मगर वे बड़े महत्वपूर्ण आचार्य रहे हैं। सो इसीलिए आज से प्रारंभ होगा, आगे जो भी प्रवचन देंगे, जितने भी जो वक्ता आएंगे, वो सब इसी को कहेंगे। जब तक हम सभी आचार्यों की विषय में पूर्ण रूप से ना जान लें, ये श्रृंखला चलती रहेगी। तो इसीलिए आज ये विश्व हरिनाम महोत्सव पर यह प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि विश्व हरिनाम महोत्सव मनाया जा रहा है, तो विश्व हरिनाम या हरिनाम को विश्व में पहुंचाने का कार्य केवल गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने किया है। अब हमें एक ऐसी संस्था बता दीजिए आज के समय में जो सड़कों पर नृत्य करते हुए दिखाई दे, जो सड़कों पर हरिनाम करते दिखाई दे, दुनिया भर में एक संस्था बता दीजिए हमें। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा ना, लेकिन ये सत्य है, ऐसी कोई और संस्था है ही नहीं जिसके भक्त सड़कों पर कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए लोगों को प्रेरित करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए। केवल एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कॉन, जिसके संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो इसीलिए गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इस परंपरा को प्रारंभ किया है, इस हरिनाम को प्रारंभ किया है। प्रमुखतः हम जानते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रारंभ किया है, लेकिन हमारे आचार्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस हरिनाम को जन जन तक पहुंचाने की। तो ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज के दिवस पर जब हम लोग विश्व हरिनाम महोत्सव मना रहे हैं, उस दिवस पर हम आचार्यों के विषय में सुन रहे हैं, वो आचार्य, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्होंने हरिनाम को संभाल कर रखा। देखिए, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद हमारे इन आचार्यों ने इस महामंत्र को संभाल कर नहीं रखा होता, तो आज तक महामंत्र बदल गया होता, और कई जगहों पर बदल गया है। आपकी सूचना के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है, आप सोचेंगे नहीं महामंत्र कैसे बदल जाता, वो तो वही रहता आचार्य नहीं होते तो, बिल्कुल बदल जाता, कई जगहों पर बदल चुका है, अलग अलग मंत्रों को लोग बात करते हैं।
कोई जैसे महाप्रभु ने तो इस मंत्र को दिया, रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों में इस बात की स्पष्टीकरण करते हैं कि महाप्रभु ने विशेषतः हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरे कृष्ण इति आख्य कहा, ये विशेष कहते हैं। लेकिन कई लोगों ने मंत्रों को बदल दिया, भज गौर निताय राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम या और भी कई मंत्र ऐसे आ गए। तो अगर हमारे आचार्य नहीं होते तो आज ये विश्व हरि नाम महोत्सव नहीं मना रहे होते हम लोग। इसलिए आचार्यों के विषय में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य कौन है? हम लोग आचार्यों की बात कर रहे हैं, आचार्यों के विषय में सुनना चाहिए। तो आचार्य हैं कौन? सबसे पहला चीज, आचार्य वो हैं जो परंपरा को बनाते हैं। हमें चार परंपराओं का वर्णन हम लोग सुनते हैं पद्म पुराण में, जहाँ कहा गया है कि चार परंपराएं होंगी कलयुग में, ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर, लक्ष्मी देवी से प्रारंभ होकर, रुद्र या शिव जी से प्रारंभ होकर और चार कुमारों से प्रारंभ होकर, ये वर्णन पद्म पुराण में किया गया। हाँ, वहाँ ये भी लिखा है कि ये चारों परंपराएं उत्कल क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी में चारों वहाँ पर समागम होगा उनका, अर्थात चारों के जो प्रमुख आचार्य हैं वो जगन्नाथ जी के कृपा प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला आचार्यों का महत्व है कि आचार्य परंपरा बनाते हैं। हम केवल परंपरा में आते हैं, हम लोग परंपरा बनाते नहीं हैं, आचार्य परंपरा बनाते हैं। क्योंकि जब हम परंपरा की बात करते हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा, श्री वैष्णव परंपरा, तो क्या कह रहे हैं हम? परंपरा क्या है? क्या दीवारों पर लिखे हुए कुछ शब्द हैं? क्या कुछ इमारतों की श्रृंखला है? नहीं, जब हम परंपरा कहते हैं तो आचार्यों की श्रृंखला है। इसीलिए पहला महत्व आचार्यों का है कि वो परंपरा बनाते हैं। हम लोग गर्व करते हैं किसी परंपरा में आने पर कि हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हैं, हम इस परंपरा में हैं। तो अगर हमें इतना गर्व है उस परंपरा में आने पर, तो सोचिए वो परंपरा बनाने वाले कितने महान होंगे। इसलिए उनके विषय में सुनना चाहिए। तो पहला महत्व आचार्यों का है कि आचार्य परंपरा बनाते हैं। दूसरा महत्व आचार्यों का है कि आचार्य वो हैं जो कृष्ण की कृपा को हम तक लाते हैं, एक माध्यम है वो। जैसे मान लीजिए बहुत दूर कहीं पर नदी है, हमारा खेत यहाँ है और यहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं है, पानी नहीं आ सकता, तो क्या किया जाता है? एक नहर बना दी जाती है, सरकार एक नहर बना देती है, या अगर ज़्यादा दूरी नहीं है तो किसान ही बना लेता है कि नदी का पानी नहर से होते हुए खेत में आ जाए। पानी वही है, उसके कोई गुण बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तक पहुंच जाता है। ये थोड़ा मोबाइल बंद करवाइए, बाहर जाइए प्रभु जी, आप मोबाइल बात करना है तो यहाँ नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को भी रुचि नहीं है सुनने में, दरवाज़ा खुला हुआ है उस तरफ का, आप लोगों के लिए ओपन है। क्योंकि अगर आपको रुचि नहीं है तो हमें भी रुचि नहीं है उसको बोलने के लिए। इस तरह से मंदिर में बैठकर मोबाइल पर बात करना, इतनी ज़ोर से सारों को डिस्टर्ब करना, ये सभ्यता नहीं है। सो आचार्य वो हैं जो कृपा को लाते हैं। जैसे नहर है, तो नहर का अर्थ है आचार्य, जो हमें कृष्ण से, कृष्ण नदी है या समुद्र है, कृपाम्बुधि, कृपाम्बुधि मतलब कृपा के सागर हैं श्री कृष्ण, और उनसे जोड़ने वाली नहर, ये आचार्य है। तो इसलिए आचार्यों का दूसरा महत्व है कि आचार्य कृपा को हम तक लाते हैं। पहला क्या है? परंपरा में आते हैं, बनाते हैं, आते नहीं हैं, बनाते हैं, और दूसरा कृष्ण की कृपा को हम तक लाते हैं। आचार्य गण ये हैं, क्योंकि कृपा के बिना भक्ति के पथ पर चलना असंभव है।
हम सोच नहीं सकते कि हम बहुत बड़े भक्त हो जाएंगे कैसे। अरे दुकानों में किताबें मिलती हैं, ले लेंगे भगवद गीता पढ़ लेंगे, क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की। भक्ति का पथ कृपा पर आश्रित है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भक्त बड़ा विद्वान हो, उसने सारे शास्त्र पढ़े हों और वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत विद्वान हो और बिल्कुल कृष्ण के दूर हो, क्योंकि कभी कभी ज्ञान अहंकार ले आता है हृदय में। अगर हमारा ज्ञान कृष्ण प्रेम से संबंधित नहीं है तो वो अहंकार लाता है। व्यक्ति बड़ा अहंकारी हो जाता है, कह रहे मुझे ये पता है, मुझे भागवत के श्लोक पता है, मुझे भगवत गीता पता है, मुझे पुराण पता है, कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये अहंकार। सो कभी कभी ज्ञान अहंकार ले आता है, कृष्ण से दूर कर देता है। लेकिन अगर कृपा है तो वही ज्ञान प्रेम में बदल जाता है। हमारा जो ज्ञान हम लोग लेते हैं भक्ति में, वो हमें अहंकार, सो ज्ञान को अहंकार में बदलने का मार्ग बिना परंपरा का है, और ज्ञान को प्रेम में बदलने का मार्ग परंपरा का, आचार्यों का। सो अगर ज्ञान है लेकिन कृपा नहीं है आचार्यों की, तो केवल अहंकार होगा, प्रेम नहीं होगा। लेकिन ज्ञान है, आचार्यों की कृपा को हमने समझ लिया, अपने आप को बड़ा निम्न रखते हुए, नम्र मानते हुए, आचार्यों के चरणों में रहते हुए हमने अगर भक्ति की, तो प्रेम निश्चित उत्पन्न होगा। सो इसलिए ये दूसरा कार्य कृपा बहुत ज़रूरी है। भक्ति में बिना कृपा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा कार्य, अब तक कितने हो गए पक्का? तीसरा महत्व आचार्यों का है कि आचार्य हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, शास्त्र को जी कर दिखाते हैं। नहीं तो शास्त्र केवल ये ऐसे रह जाएगा ग्रंथों में बस, लेकिन इन ग्रंथों से ऐसे बाहर निकल कर क्या क्या हो रहा है इस ग्रंथ में। या मान लीजिए कि ये ग्रंथ है अभी हमारे हाथ में है, अगर अपने आप नृत्य करने लगे आपको कैसे लगेगा? आपको लगेगा कोई भूत आ गया है इसमें, तो वो भूत बाहर निकल आते हैं। या कहना चाहिए वो ज्ञान, वो प्रेम, वो भक्ति बाहर निकलकर आचार्यों के माध्यम से हम तक आते हैं। तो भले ग्रंथ नहीं नाचे, लेकिन जब आचार्य नाचते हैं, आचार्य नृत्य करते हैं, तो वो भागवत के उन सिद्धांतों को हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए तीसरा महत्व आचार्यों का है कि वे एक सुंदर हमारे सामने अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या है भक्ति, भागवत में क्या लिखा है? अगर मान लीजिए हम भागवत के 18,000 श्लोकों को भी याद कर लें, बहुत कठिन है, लेकिन मान लीजिए 18,000 श्लोक याद हो गए, और फिर हम सब जगह जाके कहें देखो अभी बता सकता हूँ कहाँ क्या भागवत में है। लेकिन दूसरी ओर एक भक्त है जिसको हार्डली कोई, बहुत शायद थोड़े बहुत श्लोक आते हो, लेकिन उसके ऊपर कृपा है, और उसने एक ऐसे व्यक्ति का अनुगमन किया जो भागवत जीता है या भक्त भागवत है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है उस व्यक्ति से जिसने 18,000 श्लोकों को याद कर लिया। क्योंकि भक्त का अनुगमन करना भागवत का सार है। भागवत किस लिए बनी है, ग्रंथ किस लिए बने हैं? वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कृष्ण कहते हैं सारे वेद, सारे शास्त्र किस लिए हैं? केवल कृष्ण को जानने के लिए। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, मुझे जानना, तो कृष्ण को जानने के लिए है। और कृष्ण को कैसे जाना जाता है? अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, कृष्ण को ऐसे जाना जाता है। तो ये तीसरा महत्व है आचार्यों का कि आचार्य हमारे समक्ष एक जीते जागते ग्रंथ है, जीते जागते भागवत है, जो हमने सुना। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने तपस्या कर ली, प्रहलाद महाराज ने स्मरण कर लिया,
या युधिष्ठिर की भक्ति या उद्धव का प्रेम, गोपियों का प्रेम, ये सब ग्रंथों में हमने पढ़ लिया, कहाँ पता चलेगा? जब देखेंगे तो हमें कहें यस, इस व्यक्ति का पालन हमें करना है, इस व्यक्ति के पीछे पीछे जाना है, कृष्ण मिल जाएंगे। तो ये आचार्य गण हैं जो हमें एक उदाहरण अपना प्रस्तुत करते हैं जीवन में। जैसे हमारे कई आचार्य हुए, भक्ति विनोद ठाकुर हुए जो गृहस्थ भक्त थे, उन्होंने जीवन में दिखलाया कि गृहस्थ रहते हुए कैसे भक्ति करनी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने दिखलाया कैसे ब्रह्मचारी सन्यासी रहकर भक्ति करनी है। श्रील प्रभुपाद जीवन के पहले समय में गृहस्थ और बाद के समय में सन्यासी, उन्होंने दोनों दिखलाया कि दोनों भी संभव है। तो हमारे आचार्य उदाहरण हैं हमारे सामने, जो हम लोग पढ़ते हैं भागवत में प्रहलाद महाराज का स्मरण, वो हम देखते हैं आचार्यों के जीवन में प्रभुपाद का स्मरण। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आचार्यों के विषय में सुने। एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य आचार्य करते हैं, और वो है एक डाकिये की तरह। आचार्य संदेश को बिना, इसीलिए आचार्यों का बहुत महत्व है कि बिना उसमें कोई मिलावट किए हम तक देते हैं। जैसे एक डाकिया होता है, वो चिट्ठी लाता है, खोलता नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डाकिया ने चिट्ठी खोल दी, आपको खुली हुई चिट्ठी मिली, डाकिया पढ़ चुका है, सब हो चुका है। नहीं, जैसे आती है वैसे आप तक ले आते हैं। हमारे आचार्य डाकिये की तरह हैं। कृष्ण ने चिट्ठी लिखी, और कृष्ण हरेक के लिए चिट्ठी लिखते हैं। ऐसा मत सोचिए कृष्ण केवल ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के लिए चिट्ठी लिखते हैं, कृष्ण हरेक के लिए लिखते हैं। हमारे लिए भी लिखी, आपके लिए लिखी, लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। हमारी बुद्धि उतनी नहीं है, क्षमता उतनी नहीं है कि कृष्ण ने कहाँ चिट्ठी लिख दी, कैसे उसको प्राप्त करें। आचार्य गण उसको ले आते हैं, ये रही तुम्हारी चिट्ठी। तो इसीलिए बहुत महत्व है इन आचार्यों का हमारे जीवन में। ऐसे कई और महत्व आचार्यों के विषय में हम कह सकते हैं, क्या क्या आचार्य हमारे जीवन में करते हैं। आचार्य वो हैं जो भक्ति के उसी मार्ग को व्यवहारिक रूप में आज के समय हम क्या कर सकते हैं वैसे हमें प्रदान करते, वो आचार्य कहलाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया, भक्ति के वही सिद्धांत हैं, लेकिन उसको हमें ऐसे दिया कि बस सरल, घर घर जाकर किताबों को बांटना। हमें लगा कुछ बहुत नया काम कर दिया प्रभुपाद ने, चीज़ें वही हैं। महाप्रभु का आदेश था, प्रति घरे घरे गिया करो, ए भिक्षा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा, मतलब भगवद गीता। महाप्रभु ने कहा घर घर में जाओ, दरवाजा खटखटाओ, प्रभुपाद ने उसी को किया। लेकिन उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे दिया, उन्होंने एक थोड़ा नया तरीका कर दिया, लोगों को लगा प्रभुपाद ने कुछ अच्छा शुरू किया। आचार्य उसी चीज़ को समय के अनुसार, काल पात्र देख कर, उसको उन्हीं चीज़ों को हमें देते हैं, ताकि हम बड़ी सरलता से उसको ले सकें। तो इसीलिए आचार्यों का महत्व है, और हमें सुनना चाहिए उनके बारे में। तो आज से जो श्रृंखला प्रारंभ होगी, हमारी आप सबसे विनती है, और भी जो नहीं आए हैं उन लोगों को आने के लिए कहें अगले हर रविवार को, और इन आचार्यों के विषय में ध्यान से सुने, जाने कि क्या इन्होंने तपस्या की है, क्या ज्ञान उनको था, क्या भक्ति, क्या प्रेम उनके अंदर था, और कैसे किया वो जीवन में रहते हुए, घर में, परिवार में, समाज में रहते हुए कैसे उन्होंने भक्ति की सीखे, और फिर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें। तो ये जो आचार्यों की श्रृंखला होगी, इसमें उनके जीवन का वर्णन होगा, जीवन का वर्णन के साथ साथ उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने आचरण से, अपने अन्य कारणों से, या जहाँ कहीं उन्होंने कुछ कहा, जैसे अगर हम श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या कुछ कहें, तो उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से कई शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं को बोला जाएगा। तो पहला जीवन का होगा,
जीवन के साथ उनकी शिक्षाओं का वर्णन होगा और साथ ही साथ उन्होंने जो ऐसे कार्य किए, बड़े विशेष कार्य, और उनका क्या संबंध भगवान से है, कृष्ण से है, उसका वर्णन इन आचार्य श्रृंखलाओं में होगा। इसीलिए आप लोगों को बड़े ध्यान से इनको सुनना है। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं षड गोस्वामियों पर, छः गोस्वामियों पर। आप अगर वहाँ पर ऑल्टर में चित्र देखें तो जो नीचे आचार्यों के चित्र हैं उनमें सबसे पहले छः व्यक्ति खड़े हुए हैं, तो वो षड गोस्वामी हैं, छः गोस्वामी वृंदावन के। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी कोई ऑफिशियल दीक्षा सेरेमनी नहीं की, लेकिन कृपा दी तो छः गोस्वामियों पर कृपा हुई। तो उनमें से जो सबसे बड़े हैं सनातन गोस्वामी, आज उनकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ये चर्चा हमने आज से ठीक एक वर्ष पूर्व यहाँ पर की थी, 1 अक्टूबर 2023 को सनातन गोस्वामी के विषय में, संडे था वो, रविवार था, 1 अक्टूबर 2023, आज से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया पहले, तो हमने सनातन गोस्वामी के विषय में कहा था, आज उसको दोहरा रहे हैं। और फिर सनातन गोस्वामी के बाद रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन गोस्वामियों का वर्णन होगा और फिर उनके बाद जो परंपरा में आए उनका वर्णन, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हम लोग गौर पूर्णिमा के समय बहुत सुनते हैं और वो भगवान हैं, वो आचार्य नहीं हैं, वो भगवान हैं, और श्री कृष्ण जैसे भगवान हैं। तो उनके बाद आए हुए उनके कृपा पात्रों का वर्णन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी का वर्णन प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले उनको प्रणाम करेंगे। वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नेर अपायन मामन भीप्षु मंधम कृपां बुधिर्य पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि। बहुत सुंदर वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया है श्रीपाद सनातन गोस्वामी के लिए। वे कहते हैं कि कौन है सनातन गोस्वामी, सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामि, कि हे सनातन गोस्वामी आपके आश्रय को मैं चाहता हूँ, आश्रयामि। तो क्यों चाहता हूँ, कृपां बुधिर यह पर दुख दुखीर, आप कौन हैं, कृपां बुधि कृपा के सागर हैं, और पर दुख दुखी आपने अपने जीवन में दिखलाया कि जब आप किसी के दुख को, किसी के कष्ट को देखते थे तो आपको बड़ी पीड़ा होती थी, आप उस दुख का अनुभव करते थे, पर दुख दुखी। और फिर वो कह रहे वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नेर, वो एक शोक प्रकट कर रहे हैं। क्या शोक प्रकट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे सनातन गोस्वामी आपने बड़ा प्रयास किया, प्रयत्नेर बहुत प्रयत्न किया आपने, किस चीज़ का आपने प्रयास किया, वैराग्य युग भक्ति रसम, मुझे भक्ति का रस देने के लिए जो वैराग्य से जुड़ा हुआ था, वैराग्य से भरा हुआ था, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्नेर, आपने बड़ा प्रयास किया लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर पाया। अपायन माम, अपायन मैंने स्वीकार नहीं किया, आप इतना उसको प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि आप कृपां बुधि हैं, कृपा के सागर हैं, और इसीलिए आपका आश्रय ले रहा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इसको अपने ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि में लिखते हैं। तो सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण की लीला में ये एक मंजरी है, कई स्थान पर कहा गया लवंग मंजरी और कहीं पर रति मंजरी भी कहा गया। मंजरियां कौन होती हैं, जब श्री कृष्ण लीला करते हैं उनके साथ अष्ट सखियां होती हैं, राधा और कृष्ण और अष्ट सखियां,
उन अष्ट सखियों की सेवा करने वाली मंजरियाँ, छोटी छोटी बालिकाएँ होती हैं, 10, 10.5 साल, 11 साल, 12 साल, इतनी ये उनकी उम्र होती है मंजरियों की, उतनी ही रहती है। और वो मंजरियाँ सेवा करती हैं किसकी, सखियों के अधीन रहकर। इसीलिए हम लोग गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि कैसे करेंगे सेवा, किसी को याद है क्या श्लोक है, क्या है, आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद, आज्ञाय करीबो सेवा, किसकी आज्ञा से, ललिता विशाखादि। तो सॉरी सर, ललिता विशाखा आदि, तो जो सखियां हैं उनके आज्ञाय करीबो सेवा क्यों लिख रहे हैं ये, क्योंकि ये लोग करते हैं, ये मंजरियां हैं, इसीलिए जो भाव है वो कर रहे हैं कि आज्ञाय करीबो सेवा चरणारविंद। तो जो मंजरियां होती हैं वे सखियों की सेवा करती है। और फिर जब श्री कृष्ण और राधा रानी अकेले रह जाते हैं तो सारी सखियां चली जाती हैं, मंजरियां वहां पर रहती हैं। तो मंजरियां वो हैं जो उन लीलाओं के भी दर्शन करती हैं जिनके दर्शन सखियां भी नहीं कर पाती, और इसीलिए उनसे ज़्यादा भक्ति के रस को, भक्ति के ज्ञान को कोई और प्रदान नहीं कर सकता। वही मंजरियाँ हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के रूप में आती हैं हमें वो बतलाने के लिए जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना नहीं है कहीं से, वो प्रत्यक्ष देखा है राधा कृष्ण की लीलाओं को, और उनको हमें प्रदान करने आते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ये रति या लवंग मंजरी है। और कृष्ण लीला में तो भाग लेते ही हैं, लेकिन चैतन्य लीला में भाग लेने आए सनातन गोस्वामी बने, और कई ग्रंथों की रचना की उन्होंने, बहुत से ग्रंथ सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था, जय श्री गौनटराज दयामिताय की। चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था सनातन गोस्वामी को, तो उस आदेश के चलते उन्होंने कई ग्रंथों को लिखा। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास में ये वैष्णव एटिकेट मैनुअल है, वैष्णवों को कैसे रहना चाहिए, और बड़े विस्तार से लिखा है। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें यह भी लिखा है कि आपको सोते समय किस तरफ सिर होना चाहिए, किस तरफ पैर होना चाहिए, आप जब बैठकर प्रवचन कर रहे हैं तो आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए, आप जब शौच के लिए जा रहे हैं तो आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए। हम लोग तो ये सब सोचते ही नहीं है ना आजकल, इतना विस्तार से। हम उदाहरण ये दे रहे हैं बताने के लिए कितने विस्तार से उन्होंने लिखा है कि वैष्णवों को कैसे रहना चाहिए। तो वो हरि भक्ति विलास उन्होंने रचना की। और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने रचना किया, और वो है बृहद भागवतामृतम। बृहद भागवतामृतम ये श्रीमद् भागवत के बाद आया। बहुत सुंदर वर्णन है कि जब परीक्षित महाराज ने अब भागवत सुन लिया, सुखदेव गोस्वामी ने आखिरी श्लोक कहा भागवत का, किसी को याद है क्या है आखिरी श्लोक, बोलो जोर से, बहुत अच्छा, नाम संकीर्तनम यस्य। तो ये जो नाम संकीर्तन का आखिरी श्लोक बोल दिया सुखदेव गोस्वामी ने, उठे और चल दिए। वो रुके नहीं कि देखूं परीक्षित कैसे जाएगा, इतना मैंने 7 दिन उसको ज्ञान दिया, मेरा शिष्य है तो अब जा रहा है, सारा जगत देखने आ रहा था कि परीक्षित महाराज को मृत्यु होने वाली है, तक्षक आकर डसेगा, कैसे जाएंगे, कैसे एक भक्त अपना देह छोड़ता है, सारा जगत देखना चाह रहा है। सुखदेव गोस्वामी पूर्ण विरक्त, प्रवचन किया उठ के चल दिए, रुके नहीं देखने के लिए। तो अब परीक्षित
माता के पास गए, उत्तरा आई भागते भागते। आपको याद है उत्तरा माता हैं, जब गर्भ में थे परीक्षित, तो उत्तरा कैसे भागकर कृष्ण के पास गई थी बचाने के लिए। अब किसके पास जाए? देखिए उस समय भी परीक्षित मरने वाले थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, तो भागी कृष्ण के पास। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, मैं आपके अलावा और किसी को नहीं देख रही हूँ जो बचा सके मेरे पुत्र को। मुझे मरने दीजिए लेकिन मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तो आज वही उतरा है, इतने वर्ष बाद अब परीक्षित फिर मरने वाले हैं। उस समय तो गर्भ में थे परीक्षित को पता नहीं था मृत्यु क्या होती, लेकिन आज परीक्षित को पता है। और आज परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, आज उतरा फिर चिंता में है। स्वाभाविक है, माँ है, लेकिन परीक्षित बिल्कुल चिंता में नहीं। उनके मुख पर शिकन तक नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। आप लोग सोचिए, जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, जब उसको पता चलता है कि वो मरने वाला है, तो क्या होता है? वो प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है, और चिंता में रहता है। और फिर लोग भी और कुछ कुछ बोलते रहते हैं उसको, तो बेचारा और टेंशन में आ जाता है। लेकिन यहाँ परीक्षित बड़े भागवत सुन ली उन्होंने, सात दिन क्या चिंता, वो तो तैयार है। भागवत में कहते हैं परीक्षित, मुरे कोई चिंता नहीं, तक्षक आ जाए डस ले अब मुझे, अब हो गया जो काम करना था काम हो गया, अब जो इसको आना आ जाए, तो बड़े निश्चिंत है। लेकिन माँ निश्चिंत नहीं है, उत्तरा की चिंता है। उत्तरा आई परीक्षित के पास, तो परीक्षित ने कहा चिंता मत करो। माँ ने कहा कैसे नहीं करूँ, अरे पुत्र मर रहा है और पता है कि अब बस थोड़े समय में मरने वाला है, और चिंता ना हो माँ को। तो उत्तरा ने परीक्षित से कहा कि देखो तुम तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि तुम मरने वाले हो, क्योंकि परीक्षित अब एकदम प्रसन्न थे। तो उन्होंने कहा मैंने भागवत सुनी है सुखदेव गोस्वामी से, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो उत्तरा ने कहा मुझे भी सुनाओ। परीक्षित ने कहा सात दिन लगेंगे, है नहीं मेरे पास। सात दिन की उन्होंने सुनाई, मेरे कैसे पूरी सुना दूँ अब। उत्तरा ने कहा लेकिन मेरे तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई, तुम्हारा कर्तव्य मेरी चिंता दूर करना, तो मुझे सुनाओ अब। तो उस समय परीक्षित ने उत्तरा को भागवत का सार सुनाया, और वो बृहद भागवत अमृतम है। तो सोचिए जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, उनका सार चार अध्यायों में वेदांत में दे दिया गया, जिसको वेदांत सूत्र कहते हैं। और उन चार अध्यायों का सार भागवत में दे दिया गया, क्योंकि भागवत को वेदांत सूत्रों का, ब्रह्म सूत्रों का स्वाभाविक भाष्य कहा गया, उसका सार भागवत है। और भागवत का सार है बृहद भागवतामृतम। परीक्षित ने सुनाया उत्तरा को कि ठीक है जितना समय है उतने समय में मैं सार दे देता हूँ। तो वो सनातन गोस्वामी की बड़ी सुंदर रचना है वो, तो सनातन गोस्वामी ने उसको लिखा बृहद भाग, लघु भागवतामृतम रूप गोस्वामी ने लिखा, लेकिन बृहद भागवतामृतम ये सनातन गोस्वामी ने लिखा। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना कि ग्रंथ लिखे, तब ऐसा नहीं था कि लैपटॉप पे बैठे हैं, इंटरनेट पे यहाँ वहाँ हमारा कॉपी किया पेस्ट किया बुक रेडी हो गई। ना इंटरनेट था, ना लिखने का कोई माध्यम था, पत्ते थे और कलम ली जाती थी शाही लेकर उस पर लिखा जाता था। उसमें रचना करना ये बहुत कठिन था, और उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी। तो सनातन गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखे, और भी बहुत सारे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर या अन्य स्कंदों पर भी, लेकिन प्रमुखता दशम स्कंद पर बहुत विशेष अपनी टीका दी है, बड़ी प्रसिद्ध टीका है सनातन गोस्वामी की। तो ऐसे उन्होंने ये कार्य किए। दरअसल सनातन गोस्वामी क्यों इतना कर पाए, क्योंकि बचपन से भगवान की भक्ति है। और कैसी भक्ति? भाव भक्ति। सभी भाइयों में, चाहे सनातन हो, रूप हो, अनुपम हो, सभी भाइयों में बचपन से भाव भक्ति। इसीलिए घर बनाया, काफ़ी बड़ा घर था, तो उसमें थोड़े से जंगल थे बना दिया, और हर एक जंगल को नाम दे दिया। द्वादश वन थे उनके घर में,
हम लोगों को तो द्वादश वन के नाम तक याद नहीं है। उनके घर में थे, बचपन में खेलते थे, कहाँ पर? द्वादश वनों में, 12 वनों में खेला करते थे वो। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, सब कुछ उनके घर पर था। ये भाव भक्ति है। हम लोग क्या बनाते हैं अपने घर में? स्विमिंग पूल, अगर घर में जगह होगी तो, हाँ, और क्या बना लेंगे? टेनिस कोर्ट। इनसे सीखना चाहिए, अगर घर में जगह है आपके तो वृंदावन बनाइए, राधा कुंड बनाइए, श्याम कुंड बनाइए, गोवर्धन बनाइए। बच्चा बचपन से भक्ति करेगा, बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा बड़े होकर बेटा भगवान का नाम लो, वो इन्हीं वातावरण में पलकर बड़ा होगा। तो उनके घर में ये था। सनातन गोस्वामी ज़्यादा बड़े नहीं थे, एक दिन स्वप्न आया उनको, स्वप्न आया कि कोई एक भक्त, कोई एक व्यक्ति, कोई एक ब्राह्मण उनको भागवतम दे रहा है। बहुत अच्छा लगा, सनातन गोस्वामी इतने प्रसन्न हो गए, एकदम उठ गए, आँख खुल गई उनकी, और जैसे ही आँख खुली देखा ना भागवतम है ना ब्राह्मण है, बहुत दुखी हो गए। तो उस दिन जब दिन चढ़ा तो सनातन गोस्वामी के पास एक ब्राह्मण बालक आया और उसने भागवतम दी, कहा इसको पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं स्वयं कृष्ण आए थे, कुछ कहते हैं कृष्ण ने भेजा था किसी को, लेकिन जो भी रहा हो, भागवतम दिया गया कि इसको भागवतम को पढ़ो, ये तुम्हारे जीवन भर इसको पढ़ना। और सनातन गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए भागवत को लेकर, इसीलिए जब उन्होंने आगे चलकर प्रार्थनाएँ लिखी भागवतम पर, तो क्या कहा? मदेक बंधु मत संगी मत गुरु मन महाधन। तो वो कहा कि मेरे मदेक बंधो मत संगीन मत गुरु मन महाधन मन निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमस्तुते। ये भागवत उनके लिए था। तो बचपन से भागवत पढ़ रहे थे। वैसे इनका जन्म हुआ था 1488 में, 1488। वे कितने साल हो गए मैथमेटिशियन? 1488 से अभी तक 536 साल। सो 1488 में उनका जन्म हुआ। ये रूप गोस्वामी से 5 साल बड़े हैं, सनातन गोस्वामी 5 साल बड़े। और तो ये लोग रहा करते थे बंगाल में, हुसैन शाह वहाँ पर उस समय राज्य करते थे, जहाँ ये रहा करते थे तो उसके अधीन थे। बहुत ही विद्वान थे दोनों और प्रसिद्ध थे कि लोग ये दो रूप सनातन बहुत विद्वान है। तो हुसैन शाह ने सोचा इनको अपना मंत्री बना लेता हूँ, क्योंकि अगर ये बन गए तो बाकी सारे इनके अधीन रहेंगे, और ये बहुत अच्छे कुल के, ब्राह्मण कुल के, गौड़ सारस्वत ब्राह्मण, और इनको अगर मैंने बना दिया। लेकिन उस समय ये वो समय था जब मुग़लों का राज्य था, और अगर कोई मुग़लों की नौकरी स्वीकार कर ले उसको जाति से बाहर कर दिया जाता था। ये मुग़लों की, ये मांस खाने वालों की नौकरी कर रहे, शराब पीने वालों की, इसको बाहर करो। मतलब क्या सभ्यता थी भारत में, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 500 साल पहले की। क्या सभ्यता थी? शराब पीना, मांस खाना, अवैध संग करना, जुआ खेलना, ये तो इतना निंदित था कि उसको जाति से बाहर कर दिया जाता था अगर कोई कर। और आज क्या हो गया है? ब्राह्मण गर्व से शराब पीते हैं। पीते हैं कि नहीं पीते हैं? मतलब यहाँ के नहीं, आप ऐसा मत सोचो हम इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं, पीते हैं। ब्राह्मणों से पूछ रहे हैं। आज खुलेआम पीते हैं ब्राह्मण शराब, मांस खाते हैं, कोई उनको देश निकाला, जाति निकाला नहीं दिया जाता है। तो सोचिए कितना बदल गया है हमारा समाज। हम खुद जानते हैं कि हम लोग जब छोटे थे, बहुत शादियों में जब जाया करते थे, तो शादियां एक पवित्र बंधन मानी जाती थी उस समय पर, और गलती से भी वहाँ कभी नॉनवेज, शराब, इसको तो नाम तक नहीं लिया जाता था। आज शादियां होती हैं, उधर बार लगते हैं, बुफे लगते हैं, और नॉनवेज लंबे सारे, फिर उसके बाद वेज, अगर थोड़ा बहुत वेज भी रहता है तो। आजकल ये सब हो गया, ये शादियों में हो रहा है। शायद अभी गांव में आज भी मना होगा हमारे हिसाब से, है ना, नॉनवेज और शादियों में शराब कि शुरू हो गया है? शुरू हो गया सच्ची?
देखो भाई, ये भी गांव से हैं, अभी कह रहे हैं तो फिर मानना पड़ेगा। हमने जहां तक सुना था कि अभी तक गांवों में नहीं आया है, गांव वाले अभी भी वो पालन करते हैं, लेकिन गिरिराज प्रभु कह रहे हैं कि शुरू हो गया है तो फिर हो ही गया होगा। तो ये पवित्र माना जाता था। हमें ध्यान है कि लोग ना कहीं जाकर चोरी, पीने वाले तो सब जगह रहे, तो कहीं जाकर चोरी से छुप कर पी कर आ जाते थे कोई ऐसे सामने, और बड़ा बुरा माना जाता था, अरे शराब पी कर आए, देखो उस उधर खड़ा करो, शराब पी कर आए। अभी तो बार लगे हुए हैं, आप आते ही आपको पूछा जाता है प्लीज़ क्या विस्की, हाँ और जो भी हो, हमें नाम याद नहीं आ रहे हैं अभी उसके, क्या और अच्छा वो नहीं बताया सारी वैसे तो ऐसे बन गए हैं। तो हमारा कल्चर कहाँ चला गया है? आप सोचिए कि अगर कोई उनकी नौकरी करता था, किसकी, जो मांस खाने वाले शराब पीने वाले उनकी नौकरी कर रहे हैं, केवल नौकरी खा नहीं रहा है उसको बाहर कर देते थे, तो फिर खाने वाले को क्या करते होंगे। लेकिन आज हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए आजकल ना हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया, इतना बुरा हो गया है स्थिति हमारे लिए कि हम आज सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, आंख बंद करके, कोई विरोध नहीं। हम लोग केवल पढ़ते हैं, बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं, 1857 की लड़ाई क्यों शुरू हुई, गाय का मांस था गोलियों में तो उनको मुंह से ऐसे छीलना होता था और फिर मारना होता था, तो मना कर दिया मंगल पांडे ने, शायद आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, गो मांस था इसीलिए उसने मना कर दिया, पूरा विद्रोह हो गया, 1857 का भयंकर विद्रोह हुआ और उससे पहले भी हुआ। आज तिरुपति के लड्डुओं में निकल रहा है गो मांस तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं, कोई विद्रोह नहीं हो रहा, कोई 1857 की लड़ाई नहीं हो रही है। ये हम लोग इतने कहना चाहिए कि गिर चुके हैं कि हम हर चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। शराब पीना कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो प्रभु जी अब होता है, क्या किया जाए, मांस खाना कोई चिंता नहीं है, हम सब चीज़ों को स्वीकार करते जा रहे हैं। अवैध संग ये तो ठीक है, इतनी फिल्में देखते हैं, सारे जो हमारे फिल्मों के आदर्श हीरो हीरोइन हैं सब अवैध संग करते हैं, इसीलिए हम लोग भी सोचते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए 500 सालों में कहाँ से कहाँ आ गए हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को बादशाह ने कहा, नवाब ने कहा हुसैन शाह ने कि तुम्हें नौकरी करनी है, इन्होंने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर आप दोनों ने मेरी नौकरी नहीं की तो मैं जितने ब्राह्मण हैं ना यहाँ पर इस एरिया में सबको मुसलमान बना दूँगा। आप जानते हैं उस समय मुसलमान बनाना कितना इजी था, पानी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो अभी मुसलमान बना देते हैं। अगर किसी ने मुसलमान ने पानी लेकर ऐसे छिड़क दिया आपके ऊपर, आप मुसलमान बन गए, मुंह में लेकर उसने कुछ आपके ऊपर वो पानी फेंक दिया, आप मुसलमान बन गए, मतलब बहुत कुछ था, जबरदस्ती बनाया जाता था। औरंगजेब हजारों, उसने ये जो जनेऊ होते हैं उसको डेली हजारों जनेऊ चाहिए थे कि ब्राह्मणों के हटाओ, या तो वो ब्राह्मण बनना बंद करें मुसलमान बने, नहीं तो मार डालो उनको, मुझे जनेऊ चाहिए उनके शरीर से उतार कर। ये हमारा इतिहास रहा, हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या हुआ है, इसलिए आज हम लोग इतने इजी बैठे हैं आराम से कि जो हो रहा है होने दो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने स्वीकार नहीं किया तो मैं इन सबको, तो इनको पास कोई और उपाय नहीं था, इतने सारे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने सोचा ठीक है हम लोग दो लोग पतित हो जाए कोई बात नहीं, इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि कभी कभी लोग ये प्रश्न करते हैं, अगर वो इतने महान थे, अगर वो इतने बड़े भक्त थे तो उन्होंने ये स्वीकार क्यों किया? पैसा चाहिए था उनको, मान सम्मान पदवी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पहले से था उनके पास, उनके पास पहले से मान सम्मान था, बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े विद्वान अन्य स्थानों से आया करते थे केवल इनके साथ भागवत पर चर्चा करने के लिए, इतने विद्वान थे ये लोग, तो इनको कोई ज़रूरत नहीं थी
कि राजा के मिनिस्टर बने धन के लिए, या धन के अगर धन की इच्छा होती तो रूप गोस्वामी पूरा बोट भरकर दान नहीं कर देते। तो ये बने केवल अन्यों की रक्षा करने के लिए। तो इनको बहुत अच्छी पदवी दी गई, एक को होम मिनिस्टर बनाया गया, एक को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, उनको पदवियां दे दी गई, साकार मलिक और दबीर खास, ऐसे पदवियां उनको दी गई। तो इसमें तो इन्होंने बहुत और काम किया, तो ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने काम लिया तो बहुत अच्छा करते थे, पूरा राज्य को वो लोग दो लोग अकेले संभालते थे। राजा तो घूमता रहता था, नवाब वैसे भी, नवाब जो हुआ करते थे उस समय वो ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं करते थे। पता है आपको नवाब कैसे हुआ करते थे? एक हमने नवाब का सुना है लखनऊ का, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वो नवाब थे, अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, तो अंग्रेज आए, सब तरफ से आक्रमण हुआ, उसके जो सैनिक थे, सेनापति, ये वो सब भाग गए, ये अपने बेड पर बैठे हुए मिले उनको, अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों के ऑफिसर ने आके पूछा कि आपके मंत्री भाग गए, आपका सेनापति भाग गया, आप क्यों नहीं भागे? बोला मेरी चप्पल लाने वाला जो नौकर था वो भाग गया, मैं क्यों उतरता कैसे? तो हम बेड से नीचे कैसे उतरे, चप्पल नहीं है वहाँ, नवाब है। तो ऐसे हुआ करते थे नवाब, है ना। लखनऊ में तो वैसे ही बहुत थे, लखनऊ प्रसिद्ध था, पहले आपके दिन। तो ये ऐसे नवाब ने, तो नवाब गुंतर यही सब संभालते थे, और नवाब ने इन दोनों के ऊपर पूरा छोड़ रखा था कि इनको पता था ये लोग। फिर आगे चलकर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना था, पत्र भी लिखा करते थे चैतन्य महाप्रभु को ये। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना शास्त्र के आधार पर, क्योंकि इतने पारंगत थे शास्त्रों में, इतने विद्वान थे कि जान गए कि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। कई वेदों में, कई पुराणों में, कई स्थानों पर ये प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं मानना चाहिए आँख बंद करके। आजकल तो भारत में बड़ी उपजाऊ भूमि है, हर जगह हर कोने में निकल आते हैं भगवान, फिर थोड़े समय बाद ख़त्म, फिर दूसरा निकल आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान नहीं है, वो ऐसे भगवान हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है, अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। ऐसे कई श्लोक हैं जो बताते हैं कि वो भगवान है, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। ये कोई भावुकता नहीं है कि हम उनको भगवान मान रहे हैं, शास्त्र के आधार पर, आचार्यों के आधार पर, उनकी लीलाओं के आधार पर, जो लोगों ने देखा प्रत्यक्ष उसके आधार पर हम उनको भगवान मानते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को इन लोगों ने सुना तो इनको पता था कि वो भगवान हैं, तो पत्र लिखा करते थे बहुत उनके संपर्क, और बड़ी इच्छा थी उनके पास जाने की। तो एक समय महाप्रभु आए, महाप्रभु ने संन्यास लिया, कुछ समय तक रहे, और कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वापस आए बंगाल। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए हैं बंगाल में, उड़ीसा में रह कर कुछ समय, सारे भक्त मिलने आए थे और सब महाप्रभु के चरणों को छूना चाह रहे हैं, सब चरणों को छू रहे हैं। और इतना ही नहीं, महाप्रभु जहाँ से चल देते थे, देखिए बंगाल की भक्ति, बंगाल के लोगों की भक्ति, महाप्रभु चल देते थे तो उस मिट्टी को उठा लेते थे लोग। वर्णन किया गया है कि जहाँ से महाप्रभु निकले वहाँ गड्ढे हो जाते थे, क्योंकि लोग इतनी इतनी मिट्टी निकाल रहे हैं, महाप्रभु गए हैं यहाँ से। ये बंगाल का आज भी कल्चर है, ये तो हमारे राजनेताओं ने खराब कर दिया है उसको, हटा कर कि कोई कोई भक्ति नहीं, कोई भगवान का नहीं। लेकिन लोगों के हृदय में आज भी कल्चर है, हमें आज भी याद है, हमने आपको बताया भी होगा, कई वर्ष पहले, बहुत साल पहले की बात है, हम लोग मायापुर जा रहे थे कलकत्ता से, और हमारी बस में थे बहुत सारे डिवोटीज थे, तो बस ख़राब हो गई, वो तो आज भी होती है मायापुर में जाएँ तो बस ख़राब हो गई मायापुर जाते जाते, और उन्होंने कह दिया कि
दो घंटा लगेगा, एक डेढ़ घंटा। तो अब हम लोग क्या करें सब? तो हम लोग सब नीचे उतरे, करताल मृदंग लिया और हम लोग कीर्तन कर रहे हैं वहाँ पर, बस वाला बस ठीक कर रहा है हम लोग सड़कों पर की। तो हमने खुद देखा कि हम लोग जब कीर्तन करते हुए चले तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ रहने वाले आसपास, उनको पता चला कि कीर्तन हो रहा है, सारे बाहर आ गए। तो हम लोगों का उत्साह और बढ़ गया और कीर्तन जोर से हो रहा है। लेकिन वो लोग किस लिए आए थे? उन्होंने देखा कि ये लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कुछ लोग आकर चरण छू रहे हैं, कुछ जैसे भक्त आगे जाते थे तो मिट्टी लेकर अपने सर पर लगाते थे। हमने एक दृश्य देखा जो आज भी याद है, एक महिला, एक माता खड़ी थी, छोटा सा बच्चा उसकी गोद में था, बहुत छोटा, महीने का हो गया जो भी, बहुत छोटा बच्चा गोद में था। तो उस वो भी खड़ी थी। तो जब हम लोग आगे गए, हमने जस्ट ऐसे पीछे घूम के देखा, वो जल्दी से भाग कर आई और उसने अपने बच्चे को ऐसे वहाँ पर वो रेत में लुटा रही थी, ऐसे कि वो सारा उसके शरीर पर लग जाए और उसको कृपा प्राप्त हो। ये कल्चर है और यही महाप्रभु के समय हो रहा था। महाप्रभु निकल जा, सब वो धूल को ले रहे हैं, सब महाप्रभु के चरणों को छू रहे, महाप्रभु वहाँ जा। तो महाप्रभु रहे, अद्वैत आचार्य के घर रहे और शची माता ने जी भर कर उनको खिलाया। महाप्रभु ने कहा जो बनाना है बनाओ, जो खिलाना, हर रोज शची माता बना रही थी, क्योंकि अब इतने वर्षों से तो बनाया ही नहीं था, बनाया नहीं था, क्या कहना चाहिए कि माता ने खाया ही नहीं था पुत्र के वियोग में। लेकिन अब जब महाप्रभु आए तो शची माता रोज बनाया करती थी और महाप्रभु सब स्वीकार कर रहे थे जो शची माता बना रही। तो ऐसे कुछ समय रहे और उसके बाद महाप्रभु राम के लिए आए। जब महाप्रभु राम के लिए आए, हजारों हजारों भक्त थे उनके साथ, अकेले नहीं आए थे महाप्रभु, और वहाँ पर भी उनको देखने के लिए हजारों भक्त आ रहे हैं। तो वहाँ का जो नवाब था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लगा ये हो क्या रहा है, ये व्यक्ति तो कोई दान नहीं दे रहा। उसको ये पता था कि जब पैसा दो तो लोग पीछे भागते हैं, भाई वो लोग ऐसे ही करते थे। तो वो देख रहा है कि ये व्यक्ति को पैसा नहीं दे रहा, दान नहीं दे रहा, और देखो इसके पीछे हजारों लोग चल रहे, रोज बढ़ती जा रही है। तो उसने कहा ज़रूर कोई महात्मा होगा, कोई बहुत बड़ा संत होगा। तो उसने अपने वहाँ के जो इंचार्ज था उसको आदेश दिया कि देखो इनको कुछ करना नहीं, ये कोई बहुत बड़े संत महात्मा हैं, इनको जो जो जहाँ जाए जाने देना, कहीं रोकना नहीं इनको। तो बड़े अच्छे भाव में उसने कहा। और जब राम केली में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी पहुँचे, तब उनके नाम अमर और संतोष कहे जाते थे, या उनको उनकी पदवी से जाना जाता था, साकर मलिक और दबीर खास। तो जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने जब वो मिले हैं, उस भेंट को अगर हम लोग सुने, कैसे उनकी भेंट हुई श्री चैतन्य महाप्रभु से। समय बहुत हो रहा है, सम अभी तो सनातन गोस्वामी के विषय में बोलना ही शुरू किया है, थोड़ा सा और बोल सकते हैं? हरी बोल मतलब क्या, हाँ या ना? ओके ठीक है, तैयार है ना आप लोग? लेट तो नहीं हो रहा, नींद तो नहीं आ रही, भूख तो नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही पक्का? ठीक है, साधा एक घंटा और बोल लेते हैं, ना भी नहीं बोल पाएंगे बिजल बैठे, क्या कर सकते, आप जो कहो। एक बार आप व्यास आसन पर बैठ गए हो, आप जानो। सो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी कैसे मिले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु आए, हजारों हजारों लोग उनके साथ में हैं, लोग दूर से दर्शन किया करते, भक्तों के साथ बैठे थे। उस समय गए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, दोनों बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, और अब राजा के कोई मतलब बहुत बड़े मंत्री हैं, सारा राज्य वो संभाल रहे हैं। लेकिन जब गए महाप्रभु से मिलने, तो उन्होंने अपने दांतों में घास का तिनका दबा लिया। ये एक नम्रता का प्रदर्शन होता है कि मैं बड़ी दीन अवस्था में हूँ, दांतों में दंते तृणधरी, दांतों में तृण को धारण करके उनके कदमों में पड़ गए कि मैं बहुत दीन अवस्था में हूँ। और महाप्रभु से उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप हमारा उद्धार कीजिए, आपने बहुत उद्धार किए हैं, आपने जगाई मधाई का उद्धार कर दिया, लेकिन जगाई मधाई ने कभी ऐसे लोगों की सेवा स्वीकार नहीं की थी जो पापी हैं, जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं। हम लोग तो उनकी सेवा कर रहे हैं, हम उनसे भी गए गुजरे हैं।
जगाई मदाई से, उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, हमने तो वो भी पाप कर दिया कि हम ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा उद्धार केवल आप कर सकते हैं। और दुनिया वाले हमें बहुत विद्वान कहते हैं, लेकिन आपको एक रहस्य बताते हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन, कि आमी किस लिए ये तीन ताप हमें सता रहे, हमें ये नहीं पता। इसलिए आप कृपा कीजिए, आप उद्धार कीजिए। तो ये पद्धति है भगवान के समक्ष, वरिष्ठों के समक्ष, महापुरुषों के समक्ष जाने की। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ऐसे गए, और फिर महाप्रभु ने कृपा की उनके ऊपर, महाप्रभु ने अपना हाथ रखा उनके सर पर, फिर उन्होंने अपने सर महाप्रभु के चरणों में रखे, महाप्रभु ने कोई मना नहीं किया। तो ऐसे फिर उनको कृपा प्राप्त हुई, और फिर उन्होंने एक निवेदन किया महाप्रभु से। उन्होंने कहा कि आप इतने सारे लोगों के साथ जा रहे हैं ना वृंदावन की तरफ जा रहे थे महाप्रभु, तो उन्होंने कहा आप इतने सारे लोगों के साथ जा रहे हैं वृंदावन, ये जो बादशाह जो नवाब है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज आपको बहुत अच्छा अच्छा कह रहा है कि हाँ ये तो कोई साधु संत है, इनकी ये सब कभी भी बदल सकता है, और वो बदल रहा था दरअसल, क्योंकि उसको समाचार मिल रहे थे बार बार, तो वो पूछता था है कौन ये, इतना कहाँ से लोग इतने पीछे क्यों भाग रहे हैं। रूप गोस्वामी को भी पूछा था उसने, रूप गोस्वामी का नवाब आप हैं, रूप गोस्वामी सीधा उत्तर थोड़ी दे दे, अरे भगवान है, आप नवाब हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपके हृदय में जो आएगा वही सही होगा। तो नवाब बड़ा खुश हो गए, ये उत्तर सबसे बड़ा। तो रूप गोस्वामी ने ऐसे उनको कह दिया। अन्यों को उसने पूछा, उन्होंने कहा कि लग रहे हैं कोई, एक को पूछा तो बचाना चाहते थे कि क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि दो चार लोग आते हैं उनको सुनने के लिए। तो दो चार, मैंने सुना हजारों की संख्या, नहीं नहीं थोड़े ही आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि गलत कह रहे हो, तुम जाओ फिर से, क्योंकि उसने सुन रखा था हजारों आ रहे हैं, तो ये लोग बचा रहे थे कि कहीं समाचार ना जाए। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि देखिए कोई भरोसा नहीं है इसका, आज ऐसा है कल बदल जाएगा, आप इतने सारे लोगों को मत लेके जाइए, अकेले जाइए। तो महाप्रभु ने स्वीकारा कि हाँ ये सही है, इतने लोगों के साथ, महाप्रभु ने कहा इतने लोगों के साथ अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो वृंदावन का सौंदर्य भी खराब हो जाएगा। सोचिए हजारों हजारों लोग उनके पीछे पीछे आए तो कितना होगा, अकेले ही जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो महाप्रभु वृंदावन की ओर चले, और फिर उन्होंने उपदेश भी दिए कि कैसे आना है। कुछ समय बाद रूप गोस्वामी चले गए छोड़कर, अब सनातन के ऊपर सारा कुछ था। सनातन गोस्वामी ये सब करना नहीं चाहते थे राजपाट, तो उन्होंने छुट्टी ले ली, कब मैं बीमार हूँ। तो राजा नवाब तो ऐसे मानने वाला नहीं, उसने वैद्य को भेजा, जाओ देख कर आओ बीमार है कि नहीं। वैद्य ने अगर बीमार हो तो फर्स्ट क्लास कथा चल रही है वहाँ पर। वो कथा कर रहे थे, जब वैद्य आया तो वो भागवत चल रही है, वैद्य ने कहा बीमार कथा चल रही है वहाँ पर। ओ नवाब को गुस्सा आया, नवाब ने आगे कहा तुरंत चलो अभी वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो। सनातन ने कहा बहुत हो गया अभी, अब नहीं करना। उन्होंने कहा मैं फिर दंड दूंगा तुम्हें, गिरफ्तार कर लूँगा, उन्होंने जो करना है कर लो। तो फिर सनातन गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, और फिर राजा चले गए कहीं और, नवाब चले कहीं युद्ध वगैरह पे चले गए। तो सनातन गोस्वामी जेल में हैं, रूप गोस्वामी जा चुके हैं वृंदावन, और रूप गोस्वामी ने जाते समय थोड़ा सा धन एक व्यापारी के पास रख दिया था, और सनातन गोस्वामी को कहा था कि इस व्यापारी के पास है, कभी ज़रूरत पड़े तो ले लेना। रूप गोस्वामी ने अपने सारे धन का उपयोग ऐसे ही किया था। प्रभुपाद उस वहाँ पर समझाते हैं कि एक गृहस्थ भक्त को थोड़ा सा धन जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा जो उपयोग के लिए हो, जीविका के लिए, थोड़ा आगे भविष्य के लिए उसको रखना चाहिए, कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए या खर्च इत्यादि के लिए, और बाकी का सारा भगवान के लिए होना चाहिए। तो ऐसे डिवाइड करना चाहिए इक्वली। शुक्राचार्य जी की नीति में धन को 5 भागों में डिवाइड करने के लिए कहा गया। तो मूल बात है कि भगवान को कुछ देना चाहिए, हमें इतने स्वार्थी नहीं हो जाना चाहिए कि बस हम ही हम हैं और कोई नहीं है।
तो अपने धन को, क्योंकि भागवत में कहा गया है कि जब धन को भगवान की सेवा में लगाते तो बाकी धन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो धन आपने कमाया है वो शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ उसमें है, तो वह शुद्धता दूर होती है जब भगवान की सेवा में लगे। ये सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, कई चीज़ों को कहते हैं, मन की शुद्धता क्या है, आत्मा की शुद्धता क्या है, तो धन की शुद्धता बताते हैं कि भगवान की सेवा में लगा देंगे बाकी धन शुद्ध हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को मार कर पैसा लाइए और थोड़ा सा भगवान को दे दीजिए कि हमारा धन शुद्ध हो गया। तो रूप गोस्वामी ने रखा था थोड़ा सा एक व्यापारी के पास, तो अब ये जेल में है, बाहर जो जेलर जो संभाल रहा है उसको सनातन गोस्वामी ने बुलाया, भाई वो मंत्री रह चुके हैं तो थोड़ा तो इतना, उसने कहा देखो मुझे जाने दो, बोले और कुछ भी कहिए, आपको अच्छा खाने को चाहिए सब वो मैं कर सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता, नवाब मुझे मार डालेगा। उन्होंने तो कहा कुछ ले दे के हो जाए तो उन्होंने तो कहा बिल्कुल नहीं, और आप तो अंदर हैं ले दे के क्या, आप तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे ना मक्का मदीना जाना है, काबा जाना है, तो अगर तुम मुझे जाने दोगे तो कितना बड़ा काम होगा सवाब का, तुम्हारे को लाभ मिलेगा अगर तुमने मुझे जाने दिया तो। उसने कहा देखो ये सब बात तो ठीक है लेकिन कैसे जाने दूँ, नवाब मार डालेगा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा मेरे पास एक उपाय है जिससे नवाब नहीं मारेगा, तो क्या है, कुछ अशर्फियाँ दे देता हूँ तुम्हें, तुम भी छोड़कर भाग जाओ भाई अशर्फियाँ लो तुम जाओ अपना काम करो। तो उसने कहा ठीक है, वो मान गया। तो अशर्फी जो रखी हुई थी अर्थात सोने के सिक्के जो रूप गोस्वामी रख गए थे, तो उन्होंने कहा उस व्यापारी के पास है जाकर ले लो, उसको बताना ऐसे ऐसे। तो व्यापारी के पास गए, उससे लिया और फिर सनातन गोस्वामी को छोड़ दिया। फिर सनातन गोस्वामी सीधे भागे वृंदावन की ओर, लेकिन फिर गए वो बनारस में, महाप्रभु से भेंट हुई, बहुत सुंदर उसका वर्णन है, अभी समय नहीं है इतना बताने के लिए, लेकिन महाप्रभु ने उनको कई उपदेश दिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी का जीवन, और अब जो उन्होंने उनके साथ लीलाएं हुई बहुत सुंदर है, कैसे मदन मोहन जी प्राप्त हुए, कैसे राधा रानी के दर्शन हुए उनको, कैसे उनका संबंध था ब्रज में, अपने आखिरी समय में वे ब्रज में जाकर गोवर्धन के निकट रहा करते थे, रोज परिक्रमा करते थे, कृष्ण के दर्शन हुए, ये सारी लीलाएं आपको अगले रविवार को सुनने को मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।